एक 30 साल का लड़का पिछले 15 महीनों से जेल के अंदर बंद है। उसके ऊपर आरोप है कि उस लड़के ने अपनी ही मामा की लड़की यानी अपनी बहन के साथ में दरिंदगी की है और उसे 7 महीने की गर्भवती किया है। दोस्तों, जैसे ही 15 महीने के बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को देखकर जो जज साहब होते हैं वो जज साहब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उस लड़के से माफ़ी मांगने लगते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि हो सके तो हमें माफ़ कर देना, इतनी बड़ी हमसे भूल हो चुकी है और ये 15 महीने जो आपने काटे हैं इनको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन आप जिस पर भी मानहानि का दावा करना चाहते हैं उस पर आप मानहानि का दावा कर सकते हैं, आपके सारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कानून की लचीलापन है जिसकी वजह से आपको 15 महीने सलाखों के अंदर काटने पड़े, हो सके तो हमें माफ़ कर दें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से वो जज साहब उस लड़के से माफ़ी मांगते हैं और उस लड़के की क्या कमी थी और जिस कारण उसे जेल के अंदर धकेल दिया गया था। दोस्तों, पूरा मामला देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की कहानी राजस्थान में एक जिला पड़ता है उदयपुर और वहीं का एक थाना क्षेत्र है नाई थाना क्षेत्र। दोस्तों, ये नाई थाना क्षेत्र की सेप्टेम्बर 2020 का वाक्य है। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की होती है जिसकी उम्र होती है 15 साल। उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और दर्द भी इतना बढ़ जाता है कि वो दर्द उसे असहनीय हो जाता है और घर वाले उसे ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। जैसे ही वो लड़की हॉस्पिटल में भर्ती होती है, उसकी जांच पड़ताल होती है तो घर वालों को बताया जाता है आपकी बेटी 6.5-7 महीने की गर्भ। यह सब वाक्य सुनकर घर वालों की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और एकदम से परेशान हो जाते हैं। वो घर वाले डॉक्टर के हाथ जोड़ते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी बेटी बिन ब्याही माँ बनने वाली है, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है, इस बच्चे को हमारी बेटी के पेट से निकाल दो, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर साहब उन्हें कहते हैं कि ये असंभव है क्योंकि बच्चे की उम्र अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर हमने ऐसा किया तो या तो लड़की की मौत होगी या बच्चे की मौत होगी, हम ये ऐसा नहीं कर सकते, अब ऐसा कोई उपाय नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, घर वाले इतने घबरा जाते हैं, वो नज़दीकी नाई पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है। दोस्तों, लड़की से बहुत बारीकी से पूछताछ की जाती है, पुलिस वाले भी उससे पूछताछ करते हैं, घर वाले भी पूछताछ करते हैं, लेकिन लड़की किसी का खुलासा नहीं करती, लड़की कुछ नहीं बोलती, वो नहीं बताती कि इस लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। दोस्तों, घर वाले उस लड़की को घर ले आते हैं और वो लड़की ऐसी हो जाती है, वो खाना पीना तक छोड़ देती है और 2 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और 2 महीने के अंतराल में वो लड़की बहुत कमज़ोर हो जाती है। घर वाले उसकी माँ बार बार उससे पूछताछ करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। 2 महीने के बाद फिर उसके पेट में दर्द होता है, फिर दोबारा उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, वहाँ पर एक स्वस्थ बच्चे को वो जन्म देती है। जन्म देने के बाद फिर उसकी माँ उससे फिर पूछताछ करती है, उसे तमाम तरह की कस्में देती है और तब वो लड़की एक खुलासा करती है। वो कहती है कि माँ, तुम उसे मारोगी तो नहीं, उसके साथ में कुछ करोगी तो नहीं। वो माँ कहती है कि बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम बस एक बार उसका नाम बताओ। तो लड़की बहुत ही बड़ा खुलासा करती है, वो कहती है कि मेरी भुआ का लड़का मेरे साथ में 6 महीने से दरिंदगी कर रहा है और उसी का ये बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। दोस्तों, घर वाले बिना कुछ सोचे समझे नाई पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर और उस लड़के के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करा देते हैं। पहले मामला तो दर्ज हुआ पड़ा होता है अज्ञात के ख़िलाफ़, अब जानकारी के अनुसार अपने ही भांजे के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस उस 30 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। जब वो लड़का गिरफ्तार होकर जा रहा था, वो अपने मामा से, अपनी माई से, अपनी खुद माँ से, सबसे वो यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैंने इतना बुरा कृत्य नहीं किया, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं अपनी बहन के साथ में ऐसा नहीं कर सकता, मैंने अपनी बहन के साथ में ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन जो इंस्पेक्टर होते हैं वो बार बार उस लड़के की इस हालत को देखकर उसके दिमाग में कुछ और खुरापाती आर्य चलने लगता है।
वो सोचने लगते हैं कि कहीं इस लड़के की बात में कुछ सच्चाई ना हो। वो उस बच्चे का भी डीएनए टेस्ट लेते हैं और कुछ सैंपल उस लड़के के भी लेते हैं और उन्हें जांच के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों इधर जांच के लिए उन्हें भेज दिया जाता है और लड़के को जेल में भेज दिया जाता है। जो उसकी माँ होती है वो ताने सुन सुन कर इतनी परेशान हो जाती है, क्योंकि जो भी कोई आता है उसे ताने देता है, वो तानों को सुन सुन कर वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगती है। वो कई बार अपने बेटे से मिलने भी जाती है, वहाँ जाकर भी अपने बेटे से कहती है कि बेटा मुझे सच बताना कि तुमने अपनी बहन के साथ में ऐसा किया। तो बेटा जो पहली बार कहता है वो जेल में भी वो यही कहता है कि माँ मैंने अपनी बहन के साथ में कुछ नहीं किया, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, मेरा उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है और ना ही मैं अपनी बहन के साथ में ऐसा करने के लिए सोच सकता हूँ। दोस्तों वो लड़का बार बार अपने नाना के घर आया करता था, वहाँ भी कुछ दिन रह जाया करता था, कुछ दिन अपने गांव में रह जाया करता था। वो पढ़ाई कर रहा था, वो कुछ अच्छा बनना चाहता था, लेकिन वो बनना कुछ चाहता था लेकिन पहुँच जाता है वो जेल में। दोस्तों ऐसे ही समय बीतता रहता है, धीरे धीरे उसकी जो माँ होती है वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगती है और ऐसा टाइम आ जाता है कि उसकी माँ बिल्कुल खाट में टिक जाती है। अब तो बस माँ की एक ही इच्छा होती है कि वो अपने बेटे से मिले और बेटे से बातचीत करें। वो पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करती है, घर वालों से भी रिक्वेस्ट करती है, सबसे रिक्वेस्ट करती है कि एक बार मेरे बेटे को मेरे से मिला दो, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। लेकिन माँ से बेटे को नहीं मिलाया जाता और माँ अपनी अंतिम सांसें वहाँ पर पूरी कर देती है, माँ मर जाती है। ना तो बेटा माँ से मिल पाता है और ना ही उसके अंतिम क्रियाक्रम में शामिल हो पाता है, क्योंकि उसके ऊपर केस ही ऐसा होता है। दोस्तों जैसे ही 15 महीने बीत जाते हैं, 15 महीने बीतने के बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उस लड़के से मैच नहीं खाती। यह सब देखकर पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं। इधर जो कोर्ट में जज साहब होते हैं वो भी अपनी गलती का एहसास करने लगते हैं और उस लड़के के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हो सके तो हमें माफ़ कर देना, हम आपके 15 महीने वापस नहीं ला सकते। अगर आप किसी पर केस करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, किसी के ऊपर भी आप केस कर सकते हैं। दोस्तों वो लड़का 23 मई 2022 को सोमवार के दिन बरी होता है। दोस्तों वो ना तो अपने घर जाता और ना ही अपने मामा के घर जाता। वो रास्ते में जैसे रास्ते में पहुंचता है तो एक जगह बैठकर वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझे मेरे 15 महीने जाने का गम नहीं है, मुझे गम है तो मेरी माँ का है, अगर कोई मेरे को दे सकता है तो मेरी माँ को वापस दे दे। दोस्तों वहाँ पर जो भी लोग उस लड़के की बात को सुन रहे होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो भी रोने लगते हैं उसकी कहानी को सुन। दोस्तों उस लड़के के साथ में एक ऐसी वारदात हो जाती है जिसका उसने कुछ किया भी नहीं, उसको 15 महीने उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। हालांकि ना तो पुलिस ही अब जांच करने की कोशिश कर रही है, ना ही कोर्ट ने इसको जानने की कोशिश की कि वो लड़का है तो किसका है, जो उस लड़की ने इतना बड़ा झूठ बोला, किसको बचाने के लिए झूठ बोला। दोस्तों नाई थाने के SHO हैं साबिर अली, उनसे बात करने पर पता चलता है, वो कहते हैं अगर कोर्ट का कोई आदेश आए तो इस में आगे कार्रवाई की जा सकेगी, आगे इसमें पता लगाया जा सकेगा। ना तो घर वाले ही इसमें कुछ दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ना ही कोर्ट इसमें कोई दिलचस्पी दिखा रहा है, तो हम इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे भी कृत्य इस जहाँ में हो जाते हैं, जो लोग ऐसे कृत्य को करते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन इस भाई ने, इस भुआ के लड़के ने ऐसा कुछ किया ही नहीं और उसे 15 महीने की सजा हो जाती है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे कृत्य के बारे में? वो खुद 15 महीने के अंतर में अपनी माँ को भी खो देता है, अब अकेला अपने घर में रह जाता है। उस लड़के का मानसिक संतुलन कैसा होगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? जो कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे एक झूठे केस में फंसा दिया जाता है। ना तो मामा पक्ष कुछ कर पाता है और ना ही उसका घर वाला पक्ष कुछ कर पाता है, वो बेचारा अकेला ऐसे ही रह जाता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों
और ऐसे कृत्य के बारे में जानें जो हमारे समाज में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी घटनाओं को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।